सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जियोग्रफी फिजिकल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी साइकोलॉजी उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बिकॉज दीज द सब्जेक्ट्स विच आई डेंट हम एकदम अच्छे से समझेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स है क्लास इलेवंथ पे कौन सी बुक्स हमें परचेज करनी है कौन सी रेफरेंस बुक्स रहेंगी कौन से सोर्सेज रहेंगे प्रैक्टिस के लिए राइट right, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है क्लास इलेवेंथ को समझने के लिए कि आपको कितना सीरियसली प्रिपेयर करना है कौन से सब्जेक्ट्स इनमें से टफ़ हैं ईजी हैं आप कौन से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं तो वो सारी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी यू कैन गो एंड चेक इट आउट चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लास इलेवेंथ ह्यूमैनिटीज बुक लिस्ट विद सोर्सेज चलिए सो मूविंग ऑन टू इंग्लिश जो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है मोस्टली सबके पास रहेगा इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम राइट सो इंग्लिश के लिए बेसिक बुक्स जो हमारी रहेंगी वो है एनसीआरटी राइट एनसीआर टी की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है दो एनसीआरटीज है नंबर वन इज हॉर्न बिल एंड द सेकेंड वन इज स्नैपशॉट्स जो मेन है वो हॉर्नबिल है एंड सप्लीमेंट्री रीडर है हमारी स्नैपशॉट्स क्लियर है दोनों में ही पोएम प्रोज प्लेज सब कुछ है जो आपको लिटरेचर में पढ़ना है उससे फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में राइट सो दीज आर द टू स्टैंडर्ड बुक्स फॉर इंग्लिश ये आपको लेनी ही लेनी है हॉर्न बिल तो पक्का लेके रख लीजिए राइट right? कमिंग ऑन टू एक्स्ट्रा बुक्स फॉर इंग्लिश देखो एक्स्ट्रा में मैं रिकमेंड करूंगी यू लाइक यू लाइक इज द बेस्ट फॉर एक्स्ट्रा सदियों से चलती आ रही है यार क्योंकि उसमें जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे रहते हैं आई एम नॉट सींग फॉर समरी समरी की तो पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनसीआरटी हमेशा रीड करनी है ट्वेल्थ के लिए तैयारी करनी है तो बिकॉज मेन सोर्स हमेशा ट्वेल्थ में एनसीईआरटी रहेगा समरीज आपको बस पागल बनाती हैं आपको आलसी uh, बना देती हैं सो दैट यू डोंट स्टडी द मेन टेक्स्ट बुक राइट सो एक्स्ट्रा में भी यू लाइक हमारी रहेगी किस लिए टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस जो अलग से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या या पोयम से रिलेटेड आते हैं टॉपिक uh, से रिलेटेड आते हैं क्या लेसन है ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर प्रकार के यू लाइक like में मिल जाते हैं सो यू लाइक इज द बुक विच यू कैन रेफर टू और श्योर क्लियर है सो so, like sure, so, ये था हमारा इंग्लिश देखो अगेन इंग्लिश बेसिक है ज़्यादा मुश्किल नहीं है सेम हमारा ट्वेल्थ में भी रहता है लिटरेचर बुक होती है और राइटिंग स्किल्स है वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर आपकी मैम भी नोट्स लिखवा देती हैं अपनी नोटबुक से करिए और इलेवेंथ की ग्रामर भी मैं अपने चैनल पे बहुत जल्द ले आऊँगी क्लियर है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलिए मूविंग ऑन टू पोलिटिकल साइंस पोलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करती हूँ लेने के लिए अंडर ह्यूमैनिटीज़ अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है और पोलिटिकल साइंस नहीं है तो आई वुड से कि एक पिलर मिसिंग है क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे तक हेल्प करेगा आपको अगर लॉ लेना है आपको पोलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो ह्यूमैनिटीज पोलिटिकल साइंस पे ही डिपेंड करता है बिकॉज इट एक्चुअली टेल्स अबाउट पोलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए वो हमें क्लास इलेवेंथ में तो पता चलती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ट्वेल्थ में जाके वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स सब कुछ पता चलता है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है प्रैक्टिकली आपकी जनरल नॉलेज एक्सपैंड होती है तो टॉकिंग अबाउट पोलिटिकल साइंस देखो एनसीआरटी तो हंड्रेड परसेंट हमारा बेस रहेगा कौन सी एनसीआरटी है सबसे पहले है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क भैया इस एनसीआर में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन के बारे में ब्रीफ दिया जाता है बेसिक चीजें जो पॉलिटी जो पॉलिटी का एकदम बेसिक बैकबोन है द बेसिक स्ट्रक्चर द फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटी सब कुछ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है हंड्रेड परसेंट हेल्पफुल बुक है उसके बाद चलते हैं जो सेकेंड बुक है वो होती है पोलिटिकल थ्योरी उसमें हमें राइट्स के बारे में इक्वालिटी फ्रिटर्निटी फ्रीडम इन सब के बारे में एग्जिस्ट किया जाता है पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड थिंकर्स पे बेस्ड क्लियर है आइडियोलॉजिकल है ये बुक तो जो मेन बुक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और फिर हमारी पॉलिटिकल थ्योरी ये दोनों एनसीआरटीज है हंड्रेड परसेंट लेके रखनी है बेसिक हमारा सोर्स यही रहेगा एक्स्ट्रा बुक्स की बात करें कुछ भी नहीं पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के जाना एग्जाम से पहले देखो इलेवेंथ uh, के स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको इलेवेंथ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है पास होना है वैसे भी स्कूल वाले नंबर नहीं देते इलेवेंथ के स्टूडेंट्स को बट आपको एक अपना बेस बनाना है यार ताकि आप ट्वेल्थ अच्छे से कर पाओ राइट सो ऑनेस्टी से आप बस तैयारी करो मार्क्स पे डिपेंड मत हो और पेपर में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हंड्रेड करके जाना जो आपके स्कूल में आए हुए हैं ऑब्वियसली सी तो है नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सीनियर से मांग लेना ठीक है या फिर आप क्या करना जो आपके यूनिट टेस्ट जितने भी आ, टेस्ट हुए हैं उन वाले क्वेश्चन को देख लेना वरना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आप आराम से बना सकते हैं मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी राइट सो दिस इज द बेस्ट सोर्स देखो बोर्ड तो होता नहीं है तो एक आ, कोई स्टैंडर्ड पी वाई क्यू नहीं रहेगा हर स्कूल का अलग रहता है बट आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं क्लियर है सो दिस इज अबाउट पोलिटिकल साइंस कोई आपको एक्स्ट्रा बुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बस आपको खुद के नोट्स बनाने हैं आउट ऑफ दिस आउट ऑफ दिस वन स्पेशली राइट क्योंकि इसमें क्या है काफी सारी इंफॉर्मेशन है और समझना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है अगर आप तरीके से, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं सो नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो आपको आ, अपने एग्जाम्स में हेल्प करेगा क्लियर है नाउलेट्स मूव ऑन टू द अदर सब्जेक्ट चलिए मूविंग ऑन टू हिस्ट्री अब देखिए हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो इलेवेंथ में तो मजा आएगा पढ़ने में ट्वेल्थ में जाके तीन बुक्स हो जाती है भैया पहले एंशियट फिर मिडीवल और फिर मॉडर्न राइट right? तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, reader, आपको करना पसंद नहीं है तो, uh, बाद में जाके ट्रिपल हो जाता है सब कुछ राइट थ्री टाइम्स हो जाता है तो बर्डन बढ़ जाता है हिस्ट्री में एनसीआरटी को ही रेफर करना है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री इलेवंथ क्लास में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी ही इस टाइम से इस टाइम तक यह चल

भी लेना बिकॉज अगेन काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाती है यू हैव टू रेफर टू दी एनसीआरटीज ओनली राइट right? एनसीआर दो खरीदनी नंबर वन एनसीआरटी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी जिसमें हम जोग्रफी ओवरऑल जियोमोर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी राइट यूनिवर्स के बारे में ऑल द थ्योरी सब कुछ पढ़ रहे हैं राइट right? वर्ल्ड मतलब ऑल अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लियर है और जो दूसरी एनसीआरटी है वो है इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट उसमें भैया हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम और आपका लैंडफॉम्स हिमालयाज के बारे में माउंटेन रेंजेस सब कुछ क्लियर है सो इंडिया को टारगेट करती है अब ज्योग्राफी की मैं यही सलाह दूंगी इंटरेस्ट है मजा आता है पढ़ने में तभी पढ़ो तभी लो क्योंकि इलेवेंथ की तो मुश्किल है बट देखो अगेन ट्वेल्थ के आपको मोटिव से देखना है तो मैनेजेबल है बट इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बोर हो सकते हो अगेन वन बेस्ट चैनल फॉर ज्योग्रफी इज अमित सेन गुप्ता अमित सेन गुप्ता सर का चैनल है ज्योग्राफी वो उन्होंने क्या पढ़ाई है यार एनसीआरटीज हंड्रेड वहीं से पढ़ना हंड्रेड आपको सब कुछ समझ आएगा बहुत शॉर्ट वीडियोज हैं और सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर ज्योग्रफी क्लियर है ज ऑल अबाउट ज्योग्रफी अब हम चलते हैं फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्सिंगउट इकोनॉमिक हो सकती है डेवलपमेंट होती थी अब ऐसा नहीं है अब क्या सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है राइट right? तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं एनसीआरटी कभी भी रेफर नहीं करती आई ऑलवेज से संदीप गर्ग इज द बेस्ट सोर्स संदीप गर्ग बुक है देखो हमें तो स्कूल में भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई थी अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी करा रहे हैं आप उसको बेसिक सोर्स रख सकते हैं बट उससे ज्यादा हेल्पफुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स की संदीप कर क्योंकि उसमें नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ाया गया है काफी इजीली सब समझ आता है क्लियर है टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इसकी बुक है एनएम शाह की वो बहुत अच्छी है एकदम बेसिक से सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं इसमें भी मैंने एनसीआरटी रेफर नहीं करी थी ना ही हमारे स्कूल में करवाई थी क्लियर है सो एन एम शाह की ये बुक है और आपका सेकेंडरी सोर्स आपको अगर आ, और समझनी है चीजें तो टी आर जैन और वी के ओरी की बुक आती है फॉर फॉर स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स क्लास यू कैन रेफर टू तो क्लियर है टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स के चैनल्स फॉर क्लास इलेवन बहुत सारे हैं रजत अरोड़ा सर हैं हमारा वो आ, हमारा गौरव जैन सर हैं जो इकोनॉमिक्स ऑन तो योर टिप्स पढ़ाते हैं तो आप उन चैनल्स को रेफर कर सकते हैं क्लियर है Now, let's move on to the last uh, one, which is physical education. Coming on to physical education, uh, NCRT, a big no. Saraswati publication ki ek book aati hai. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर फिजिकल एजुकेशन देखिए अगेन इट डिपेंड्स अगर आपका स्कूल कोई और बुक रेफर करवा रहा है वही रेफर कीजिए जो आपका टीचर जहाँ से पढ़ा रहा है वही रेफरेंस आप लीजिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आएंगे जो टीचर जैसा पढ़ाता है जो उनकी बुक रिकमेंड करता है जैसे क्वेश्चन कराता है वो वैसा ही पेपर बनाता है राइट इलेवेंथ में आपका मोटो होना चाहिए कि आप बस समझ रहे हैं ये चीज़ें जो ट्वेल्थ के लिए यूजफुल है मार्क्स मिलते नहीं है लाने भी नहीं है डजेंट मैटर फेल वेल कर देते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता ट्वेल्थ में तो जाते ही है सब राइट सो फिजिकल एजुकेशन के लिए विच वन आई रेफोर्ड इज सरस्वती पब्लिकेशन क्लियर है टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इनके लिए तो एनसीआर ही बेस्ट है राइट right? एनसीआरटी से इन सब्जेक्ट के लिए आप सिंपली uh, उनको उन उनपे रिलाई कर सकते हैं राइट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी एवरी पूरी प्ले है क्लास इलेवन के लिए जाके चेक कीजिए मैं और भी पढ़ाई रिलेटेड वीडियोज लाऊंगी पोलिटिकल साइंस की सीरीज लाऊंगी फॉर क्लास इलेवन स्टूडेंट्स ताकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को बहुत अच्छे से समझ सकें सो गाइज दैट इज इट फॉर डियो आई होप यू लाइक डिट अगर आपको थोड़ी सी हेल्प हुई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज डोन्ट फोरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल यू आर एट ह्यूमैनिटीज हैर्निंग आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो